8 फरवरी 1870 में ओस्टरहॉट नीदरलैंड में जन्मे क्रिस्टियान स्नूक हरग्रोंजे प्राचीन संस्कृतियों और भाषाओं के डच विद्वान गुजरे हैं, जो कि डच ईस्ट इंडीज यानी वर्तमान इंडोनेशिया की कॉलोनियल गवर्नमेंट के विशेष सलाहकार भी थे। वर्ष 1885 में पवित्र शहर मक्का की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले स्नूक पहले पश्चिमी विद्वान थे, जहां उनको एक साल रहने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने अपने अनुभवों के निष्कर्ष को मक्का नामक पुस्तक में दर्ज किया, जिसे जर्मन में 2 वॉल्यूम्स में वर्ष 1889 में प्रकाशित किया गया। हरग्रोंजे पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम के बारे में लिखते हैं, इस्लाम के पैगंबर द्वारा स्थापित मानव एकता ने अंतर्राष्ट्रीय एकता और इंसानी भाईचारे के नियमों को ऐसे दुनिया भर में स्थापित किया है जो अन्य राष्ट्रों को मार्ग दिखाते हैं। सच्चाई ये है कि राष्ट्र संघ की धारणा को वास्तविक रूप देने के लिए इस्लाम का जो कारनामा है, कोई भी अन्य राष्ट्र उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकता।